गुजरात के कई शहरों में बाढ़ ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें जूनागढ़ से भी सामने आई, जिनमें एक किसान अपने ट्रैक्टर के साथ पानी के तेज बहाव में बहता दिखा। किसान पानी के तेज बहाव के बीच ही नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका खमियाजा उसे भुगतना भी पड़ा, क्योंकि इलाके में भारी बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव बढ़ गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि नदी पर बना पुल भी कहीं गायब हो गया और इस मुसीबत के बीच फंस गया वो किसान। हालांकि उसने वहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो वहीं फंसा रह गया। नदी में पानी बढ़ता चला गया और इन हालात में वो ट्रैक्टर के साथ ही नदी में बह गया, जिसे देखकर वहां मौजूद दूसरे लोग घबरा गए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हिम्मत दिखाई और नदी में डूब रहे किसान को बचा लिया। हालांकि ये हालात सिर्फ जूनागढ़ तक ही सीमित नहीं रहे, कुछ इसी तरह की तस्वीरें द्वारका से भी सामने आईं, जहां भारी बारिश होने के बाद सड़कें पानी में डूबी नजर आईं और लोगों के लिए रास्ता पार करना मुश्किल हो गया। एक तस्वीर में तो कुछ लोग रस्सी के सहारे सड़क की दूसरी ओर जाने की कोशिश करते नजर आए। आसमान से पानी बरसा तो सूरत के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। वहां लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि उनका घर से बाहर कदम रखना तक दूभर हो गया। उन इलाकों में जहां तक नजर गई वहां तक पानी नजर आया। पानी भी इतना कि फिर बारिश हुई तो लोगों का आधा शरीर उसमें डूब सकता है।